आज के दिन के लिए मैं सभी भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी के कारण ये हमारा हिंदुस्तान में शामिल हुआ जम्मू कश्मीर। और इसी बड़े दिन के लिए हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, जो 370 उन्होंने हटाया, ये सबसे बढ़िया काम था उनका, क्योंकि ये जब तक नहीं हटता हम तो सिर उठा के चल भी नहीं सकते थे। 370 हटने के बाद हम तो जगह जगह अब अकेले भी जा सकते हैं सिर उठा के। हम औरतों को इतना सम्मान मिला है। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती। चिश्ती साहब बताइए, जो आज अगले दिवस यहाँ पर मनाया गया, इसके बारे में। आज जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में विलय दिवस मनाया गया है, हिंदी में विलय, तो उर्दू में इसको यूम अलहा कहते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर आज के दिन हिंदुस्तान के साथ अलहा होने का मरहजा ने आज के दिन साइन किए थे। और भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन था कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हिंदुस्तान, एक निशान, एक विधान रहे, तो वो पिछले साल हमारा मिशन पूरा हुआ है। इस बार इस दिन पे 26 अक्टूबर के दिन छुट्टी मनाई गई है और ये हमेशा रहेगी। और ये दिन आज जम्मू कश्मीर के सब लोगों के लिए मुबारकबाद देते हैं कि ये दिन आज उन्होंने मुकम्मल अपना जो वादा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो मुकम्मल करके तो ये दिन मनाया जाता है और ये आगे भी ऐसे ही मनाया जाएगा। स्पोक्सपर्सन सुनील गुप्ता हमारे साथ हैं। विलय दिवस के हवाले से, आज विलय दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को और हिंदुस्तान के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर तिरंगा झंडे लहराकर और मुंह मीठा करके सभी को एक दूसरे का मुंह मीठा करके मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि जो विलय है वो पूर्ण विलय है और इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो हमारे राजा ने जो समय सेक्शन 30 साइन की थी, हम उसको पूर्ण विलय मानते हैं। कुछ लोगों ने बीच में कहा था कि ये विलय पूर्ण है, हम इसलिए भाई इसको हम बड़े पैमाने पर जगह जगह पर इस कार्यक्रम को करते हैं और जो यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलकर आज हिंदुस्तान के साथ उसका अटूट खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि जो 370 टूटने के बाद जो यहाँ पर एक डेवलपमेंट और तरक्की का दौर शुरू हुआ है, आज लोग खुश हैं, क्योंकि जो भी सेंटर की पॉलिसी आती है, जो भी सेंटर का प्रोग्राम आता है, वो सीधा लोगों के खाते में आता है। नहीं तो पहले बीच में बिचौलिए और दूसरे तरीके से आते थे। ये विलय इसलिए भी पूर्ण माना जाता है क्योंकि आज हम हर चीज़ का हमें बेनिफिट मिल रहा है। हम सीधा सेंटर के साथ जुड़ गए हैं, हमारे बीच में कोई भी 370 और 35 की दीवार नहीं रही है। इसलिए जो विलय हुआ है उसको हम पूर्ण मानते हैं, उसके लिए हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो खाली अब महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि वो किसी और झंडे को नहीं मानेगी जब तक स्टेट का झंडा नहीं मिलेगा, इसके हवाले सब क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो तिरंगा है ये हमारी आन बान और शान है। इस तिरंगे के लिए हमारे पूंछ, मैं पूंछ की बात करूँगा, हमारे 1947 के अंदर हमारे हिंदू मुसलमान सिख ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस तिरंगे का मान सम्मान और आन ऊँचा किया है। इसको कोई भी नीचे नहीं कर सकता। ये हमारी आन 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 और बान की निशानी है तिरंगा। महबूबा जी, या क्योंकि जो कश्मीर वाली पॉलिटिक्स है ना, ये जब हुकूमत में नहीं आते तो ये कुछ बात करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो इसी तिरंगे के आगे झुकते हैं और सलाम करते हैं। अगर उन्होंने ये पहले भी कहते थे, अगर कोई अगर दफ़ा 370 टूटेगा तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने तिरंगा फहरा कर उनको बता दिया कि आज भी लोग यहाँ पर, अगर आपने 2-3 दिन से वीडियो देखी होगी, कश्मीर के अंदर आज भी सुबह लोगों ने एक जुलूस निकाल कर, करगिल के लोग आए और जम्मू कश्मीर के लोग आए, उन्होंने लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराया। और इसी तरह से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के अंदर, वो भी छाती अपने कपड़े फाड़ कर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे दिल में है और तिरंगा हमारी आन बान शान है। महबूबा जी जो बातें करती हैं, अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए, इसके लिए हम पूंछ के लोग उनके साथ सहमत नहीं हैं। तिरंगे को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं झुका सकती।